प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा तथा इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तथा विशिष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? जब विद्यार्थी पहली बार अर्थशास्त्र शब्द के बारे में सुनते हैं तो उनको उसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। उन्होंने शायद कुछ सुना होगा, जैसे अर्थशास्त्र धन, वस्तुओं का उत्पादन व बचत आदि का अध्ययन है, लेकिन इनमें से कोई भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन है। मूल रूप से लोगों को अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे घर, कार इत्यादि। इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन उसको पूर्ति करने वाले संसाधन अनंत नहीं होते। संसाधन दुर्लभ होते हैं, जिनका प्रयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। अर्थशास्त्र विषय को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, विशिष्ट अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। विशिष्ट अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है। यह छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयां, जैसे एक व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन करता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है। इसकी केंद्र समस्या कीमत निर्धारण है। यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इसके तथ्य ठीक होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वे पूरे समाज के लिए भी ठीक हों। इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है। समष्टि अर्थशास्त्र यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। यह इकाइयों के योग, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन व रोजगार का निर्धारण है। यह अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इसके तत्व संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। इसका विश्लेषण अत्यंत जटिल होता है।